हाय एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा। कैसे हैं आप? क्या आपने कभी ये ढूंढने की कोशिश करी है कि इस स्टॉक मार्केट की सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी कौन सी है, या फिर सबसे अच्छा टीचर जो आपको बहुत अच्छे से सिखाता है, समझाता है, आपको ट्रेडर बनने में हेल्प करता है और एक्चुअल में ट्रेडर में कन्वर्ट कर देता है, वो कौन है? इस वीडियो में बात करेंगे उस टीचर के बारे में, उस स्ट्रेटजी के बारे में भी। बने रहिएगा। वो टीचर है बियर मार्केट। मार्केट जब फॉल करती है ना, तो सब कुछ हिल जाता है, सब कुछ आपके स्ट्रेटजी, आपके रूल्स रेगुलेशन सब बिखर जाते हैं। और ये वो टाइम होता है जहां पर आपको कमाई बाद में पहले बचाना आना चाहिए, क्योंकि पैसा बचेगा तो कल आपको ट्रेड मिलेगा। आज आपने 2-3 लाख रुपए का लॉस कर दिया, चलिए मान के चले आपने बड़ा ट्रेड लिया था, कल आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रेड मिल गया, मतलब एक अमेजिंग ट्रेड आपको मिल रहा है, लेकिन अब आपके पास पैसे नहीं है। जो लॉस आपने 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले किया था, अब आप उसको रिकवर नहीं कर पा रहे। रिकवर क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उस बियर मार्केट में आपने एक जो सबसे मेजर रूल होता है, पैसा बचाना, वो नहीं इंप्लीमेंट किया और आपके हाथ से वो पैसा चला गया। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, इसको जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। अगर आपने 2020 में, जब ये कोविड का शुरू हुआ था, अगर आपने उस टाइम एंटर किया है, उस टाइम मैं जानता हूं कि आपने बेहतरीन कमाया होगा। मार्केट जैसे भागा था गोली बन के, हमने बहुत अच्छा कमाया था। और उसके बाद में अब 2022 जब से शुरू हुआ है, तब से कितना कमाया उसके कंपैरिजन में? या हाथ में कुछ बचा नहीं, वो भी गवा दिया जो लिया था, या उसका कमाया था उसका 50-70% आप मार्केट को दे चुके हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जब मार्केट बढ़ती है ना, जब मार्केट राइज करती है, तो उस बढ़ती हुई राइजिंग मार्केट में हर कोई शेयर होता है, हर कोई सिकंदर होता है। आप मान के चलिएगा कि कैसा भी ट्रेड ले लीजिए, जितने पैसे लगाने लगा लीजिए, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपका कोई एनालिसिस का पार्ट नहीं है। राइजिंग मार्केट में सबका पैसा बढ़ता है, जो लगाएगा। हाँ, ऑफकोर्स आपने रिवर्स ट्रेड ना लिया हो, अदरवाइज पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई उसमें डाउट नहीं होता। आप मूविंग एवरेज यूज करें, आप बॉलिंजर बैंड यूज करें, आप XYZ, एक घटिया से घटिया भी अगर आप इंडिकेटर यूज करेंगे, जिसको आप सिर्फ पहली बार यूज कर रहे हैं, किसी ने यूज नहीं किया, सिर्फ आप यूज कर रहे हैं, वो भी काम कर जाएगा। रीजन बींग, हर इंडिकेटर ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है, और सारे इंडिकेटर फुस हो जाते हैं जब बात आती है बियर मार्केट की। अब पूरा साल जाने वाला है, हम अक्टूबर के एंड में आ चुके हैं। हमने एक बात डिस्कस किया था दैट पूरा साल रुलाएगा, और अभी 2-3 महीने पहले मैंने कहा था अभी तो पेन एरिया शुरू होने वाला है, रुलाई आने वाली है। तो अब देखिए रुलाई शुरू हो गई है, कभी मार्केट ऊपर जा रही है, आप सब अपना माइंड चेंज कर लेते कि आज हम बुलिश रहेंगे, मार्केट फिर नीचे गिर जाती है। इनफैक्ट कुछ टाइम से तो हर रोज डेटा चेंज हो रहा है, हर रोज मार्केट ऊपर जा रही है, हर रोज नीचे जा रही है। इस मार्केट में कैसे कमाएंगे, मतलब कभी सोचा है इस बात का? यहां पर आपको एक बात समझना है कि इस टाइम जो ट्रेडर बनता है, वो ट्रेडर बनता है। बियर मार्केट ट्रेडर प्रोड्यूस करती है, और बुल मार्केट ग्रीड, लालची लोगों को प्रोड्यूस करती है। और लालची क्या करते हैं, अगले ट्रेड में पहले वाले से बड़ा ट्रेड ले डाला। मतलब मैं तो सिकंदर हूं ना, मैं तो पिछले वाले ट्रेड में इतना कमाया था मैंने कि अब क्या जरूरत है मुझे, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, मैं अगला ट्रेड भयंकर लूंगा। और उसने अगला ट्रेड लिया, अगला ट्रेड भी चला गया उसके फेवर में, फिर मार्केट राइज कर रही है, अब नहीं 2 दिन बाद चला जाएगा, इंट्राडे की नहीं तो हम स्विंग में ट्रेड लेंगे, या राइजिंग मार्केट में अगर आप डिलीवरी में ट्रेड लेते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि हर पॉइंट पे आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। अब लेके देखिए ना डबल ट्रेड, अक्टूबर 2022 में पहले ट्रेड में आपने कमाया, दूसरे ट्रेड में डबल लेके देखिए, मार्केट आपको बता देगी अब आपका टाइम गया, अब ट्रेडर्स का टाइम है। ये टाइम वो टाइम है जहां पे सिर्फ एक्चुअल ट्रेडर्स कमाते हैं। आपको हम रोज बताते हैं भाई इस टाइम से पहले मत ट्रेड लीजिएगा, इतने बजे से पहले ट्रेड मत लीजिएगा, अर्ली एंट्री मत कीजिएगा, आपको वेट करना जरूरी है, ये वाला लेवल है, इसको ब्रेक करने के बाद में इसके नीचे अगर दोबारा अटेम्प्ट में फेल हो जाए तब ट्रेड करना है, इसके ऊपर जाता है दोबारा एक बार सपोर्ट मिल जाता है तब ट्रेड करना है। ये सारे रूल्स हम बुल मार्केट में शुरू ही नहीं करेंगे, हम बातें नहीं करेंगे, हम तो कहेंगे यहां से बाय कर लो, मार्केट भागे जा रही है, आप भी ट्रेड लिए जा रहे हैं। आपको ये बात समझना पड़ेगा, ये जो 2022 है और ये जो राइट टाइम चल रहा है, इस टाइम को आपने ट्रेडर बनने में यूटिलाइज करना है।
मार्केट की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी इस टाइम इंप्लीमेंट की जा रही है वो क्या होती है, पैसा बचाना, वॉलेटिलिटी को हैंडल करना, ग्रीड को रोकना, आपका जो पुराना प्रॉफिट था उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलना, उसको थोड़ा सा पैसे को बचाना, अननेसेसरी ट्रेड नहीं करना, कितनी सारी चीजें हो गई, ये सारी तो स्ट्रेटजी होती हैं। यही चीज तो मिलकर आपका एक कंप्लीट ट्रेड बनाती है जो प्रॉफिटेबल बनता है। अगर आप समझ जाते हैं इस बात को कि ये सारी चीजें मिक्स करने के बाद में आप एक ट्रेडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, आप एक बेहतरीन ट्रेडर बन जाते हैं, बस उसके बाद में आपको कोई रोक नहीं सकता। इस बियर मार्केट में जिसने पैसा बना लिया वो लाइफ टाइम फुल टाइम ट्रेडर भी बन सकता है। ऑफ कोर्स मैं ये बात हमेशा कहूंगा आपसे, देखिए आज के टाइम पे हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप स्कूल भेजते अपने बच्चों को, खुद स्कूल गए हैं, आने वाली जनरेशन भी स्कूल जाएगी, बुक्स आज भी खरीदी जाती हैं, पेपर इंडस्ट्री को दोबारा बिजनेस मिलना शुरू हो गया है, बुक्स की वॉल्यूम दोबारा बढ़नी शुरू हो गई है। पहले ऐसा लग रहा था बुक्स कंप्लीटली वाइप ऑफ हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। और अगर आप देखें कॉलेज इंस्टीट्यूट्स ऑफलाइन कॉलेजेस, राइट अप्रोच आपको करनी पड़ेगी। हर चीज़ अवेलेबल है लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ सिस्टमेटिक होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है आप तोड़ तोड़ के चीज़ों को समझते हैं, तोड़ तोड़ के उनको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर उनको बाइंड करने की कोशिश करेंगे। बाइंड कैसे करेंगे, अरे यार ये वाला पहला चैप्टर था, ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। बिकॉज ऑनलाइन हर चीज़ आपको सीक्वेंस में नहीं मिलती हैं, आपको हर रोज के अकॉर्डिंगली नहीं समझाया जाता है। अब जैसे हम मार्केट में बात कर रहे हैं तो मार्केट हर रोज चेंज करती है, तो ऑनलाइन हर रोज मार्केट के अकॉर्डिंगली आपको लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। ऑफकोर्स हम प्रोवाइड करते हैं आपको, आपको बताते हैं कहाँ, वो इंट्राडे की बात है, लेकिन सीखने वाली बात कर रहा हूँ। हम आपको ट्रेडिंग बताते हैं, एवरीडे इंट्राडे बताते हैं, स्विंग बताते हैं, वो मार्केट के डेली अप मूव्स के अकॉर्डिंगली चलता है। इसीलिए आपको बीयर मार्केट के साथ साथ यहाँ पे ट्रेडर तो आप बन भी रहे हैं लेकिन साथ साथ में एजुकेशन भी ले लें यार, थोड़ा सा अपने आप को ट्रेडर की तरफ कन्वर्ट करने के लिए राइट स्टेप बहुत ज़रूरी होते हैं, एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है, राइट अप्रोच बहुत ज़रूरी होती है। इस टाइम पैसा कमाना चलेगा, पैसा गंवाना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि अरे पैसा नहीं बन रहा, पैसा नहीं बन रहा, अगला ट्रेड ज़्यादा वाला ले लिया और वो फिर पैसा चला गया, उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो गई, दो तीन में कवर भी हो गया, उसके बाद आप थोड़ा सा अपने आप को महान समझने लग जाए और फिर से ट्रेड ले लिए। सब मैंने किया है, मैं भी अपने आप को महान समझता था पहले, अरे यार ये वाला ट्रेड देखो मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ये ट्रेड जाएगा, मतलब मैं किसी को बोलता नहीं था, अपने आप से बात करता था और वो ट्रेड गया। अब देख ये वाला ट्रेड भागेगा और वो ट्रेड कहाँ भागा, वो नीचे तरफ भाग गया और मेरा पैसा भी साथ में भाग गया। ये सब मैंने कर चुका हूँ, मैं अपने आप को गारंटी देता था कि कल मार्केट मेरे इशारे पर चलेगी, लेकिन मार्केट ने मुझे बता दिया कि मार्केट मेरे इशारे पर नहीं, मार्केट के इशारे पर चलता हूँ मैं। अब मैं वेट करता हूँ, मैं राइट टाइम का इंतज़ार करता हूँ, अर्ली एंट्री बिल्कुल नहीं लेता, ट्रेड नहीं मिलता चुप करके बैठा रहता हूँ। मैं अपने आप को कुछ नहीं कहता, ना ही अपने आप को कहता हूँ कि नहीं तूने यहाँ पर देखा था यहाँ पर ट्रेड मिलने वाला है, अब ट्रेड नहीं लिया तुझे कुछ नहीं आता, अब नहीं बोलता। अब अरे यहाँ पर एंट्री नहीं मिल रही, अच्छा यहाँ पर एंट्री मिल रही थी नहीं ले पाया, कोई बात नहीं अगले ट्रेड में लूँगा। अब मैं अगले ट्रेड का वेट करता हूँ, अगर इस ट्रेड में मैं एंटर नहीं कर पाया। अब रिस्क का मैं पहले ध्यान रखता हूँ, रिवॉर्ड्स का मैं बाद में ध्यान रखता हूँ। तो याद रखिएगा प्लीज़ गाइस, ये जो साल गया है आपका, इससे बड़ा टीचर आपकी लाइफ में आने वाले कुछ सालों में नहीं आ सकता। इस टाइम को थॉरली यूटिलाइज करें, समझिए मार्केट की मूवमेंट्स को, राइट डायरेक्शन में चलिए, पैसा पहले बचाइए। इस मार्केट में थोड़ा थोड़ा भी कमाएंगे बहुत बड़ी बात है, फिर जब मार्केट आपके फेवर में जाएगी बड़ा कमाएंगे। इस मार्केट में हम बड़ा कब कमाते हैं, महीने में तीन चार ऐसे पॉइंट आते हैं जब जूम करके हमारा इतना बड़ा प्रॉफिट बन जाता है, अदरवाइज हर रोज कभी 10,000 कभी 20,000 कभी 50,000, लेकिन महीने में तीन या चार दिन ऐसे होते हैं जब लाख रुपीज से ऊपर हमारा एक दिन का प्रॉफिट जाता है, अदरवाइज 12,000 10,000 1,000 कभी 6,000 कभी 5,500 फिर ऐसे जाता है, हर रोज बड़े बड़े प्रॉफिट नहीं मिलते, अचानक फिर टाइम आएगा फिर जूम करके एक बड़ा सा प्रॉफिट मिल जाएगा। ये होता है ट्रेडिंग का तरीका, ये मार्केट आपका सबसे बड़ा गुरु है।
बियर मार्केट से बड़ा गुरु इस मार्केट में कोई नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए, पैसा बचाना पहले, बाद में कोई भी और चीज। तो अभी जो भी टाइम बचा है, अभी बियर मार्केट खत्म नहीं हुआ है, अभी जो भी टाइम बचा है फटाफट उसको अपने यूटिलाइज कीजिए और अपने आप को जितना जल्दी ट्रेडर बनाएंगे उतना बेहतरीन आपको प्रॉफिट मिलेगा आने वाले कुछ टाइम में। याद रखिएगा, हर बुल मार्केट की शुरुआत बियर मार्केट से होती है। आने वाला टाइम जब बुल रन का होगा और अगर इस टाइम आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो पैसा नहीं बनेगा और ना ही पैसा कमा पाएंगे, फुल स्टॉप। इस टाइम पैसा बचाएंगे, हल्का हल्का अगर आपने 200 रुपए भी कमाया है 1,00,000 रुपए में से, चलेगा चलेगा। अगर आपने 1,00,000 रुपए में से अगर आपने 400 रुपए भी कमाया है, बहुत ज्यादा कमाया है। उसके बाद जब बुल मार्केट शुरू होगा, क्या गजब का कॉन्फिडेंस आपके साथ रहेगा। रीजन, आपको अपने लॉसेस हैंडल करना आता है, आपको अपने ग्रिड हैंडल करना आता है, आपको अपनी क्वांटिटी मैनेज करना आता है। और जब बियर मार्केट के बाद में बुल मार्केट शुरू होगा, पैसा ऐसे बढ़ेगा, रातों रात आपके पैसे डबल हो सकते हैं। राइट ट्रेड राइट जगह पे। इक्विटी में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो एक दिन में आपका पैसा अगली रात को डबल भी हो सकता है। और मार्केट आने वाले कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों के बाद में वो टाइम आपको जरूर देगा। तो सबसे पहले इस टाइम, चाहे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको स्टेप बता रहा हूं। पहला स्टेप, इस टाइम पे बड़े अपने आप को मत मानिए कि मैं ये हूं मैं वो हूं। दूसरा, उसे माइंडसेट होता है हमारा। दूसरा, पैसा बचाइए, थोड़ा थोड़ा करके कमाइए, चलेगा। तीसरा, थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करें, आने वाले दिनों में बहुत काम आने वाला है। जो अभी इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट है आपकी, अपने आप को एजुकेट करने की, वो आगे काम आएगा। हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन उससे अगर आप सीख पाते तो 2 साल में आप सीख चुके होते। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाइए, बुक्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, समझ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट टाइम का वेट करें और बियर मार्केट को अपना गुरु मान के उसके साथ में अपने आप को चलाना सीखे। बुल मार्केट गुरु नहीं होता, बुल मार्केट तो आपका रिवॉर्ड होता है, रिजल्ट आता है ना हमारा। हम एग्जाम देते हैं, पूरा साल पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम का जो रिजल्ट है वो बुल मार्केट आने वाला है, वो आपको बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड करेगा और बहुत अच्छे आपको प्रॉफिट देगा। तो गाइज, अभी राइट टाइम है, टाइम गया नहीं है, अभी भी आपके हाथ में है। इसको यूटिलाइज कीजिए और अपने आप को कन्वर्ट कीजिए। जाने से पहले हमें सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो कंटेंट पसंद आता है तो। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।